फ्रेंड्स, कल मेरे पास एक मेल आया मेरी वीडियोस देखने के बाद। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं कमल भट्ट, जो कि यूएस में रहती हैं। उन्होंने मुझसे कुछ वेट लॉस की रेसिपीज मांगी थी। मैं उनके लिए बना रहा हूँ आज एक सैलेड। मैं इसमें कुछ ऐसे ही इंग्रेडिएंट यूज कर रहा हूँ जो कि हेल्दी है। जब हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम कुछ तला हुआ खा लेते हैं, जिससे कि हमें शाम तक भूख नहीं लगती और यही हमारे मोटापे का कारण होता है। तो आइए बनाइए हम एक हेल्दी सैलेड। बात करते हैं हम, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ओट्स। ओट्स आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ये मैंने डाले ओट्स। इसमें मैं कुछ गर्म पानी मिलाऊंगा, जिसे मैं कुछ 5 से 7 मिनट तक रखूंगा। थोड़ा और पानी इसमें मैं डालता हूँ। ये मिक्स हो गया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अब मैं इसमें डालूंगा इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स। मैंने थोड़ा पाइनएप्पल लिया है, ये 3 पाइनएप्पल है। आप केन पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं या फ्रेश पाइनएप्पल। ये हमारे, आपको मालूम है पाइनएप्पल की खट्टा होता है, तो ये आपके वेट लॉस में काम आएगा। तो इसमें हम काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि वेट लॉस के लिए अच्छे हैं। बाकी इसमें मैं डालूंगा कुछ टमाटर चॉप करे हुए, थोड़ा अनियन चॉप करा हुआ, कोरिएंडर लीफ, मिर्ची चॉप करी हुई। आप जितनी चाय डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है कम स्पाइसी खाना है। और आपका इसमें डालेंगे थोड़ा वाइट पेपर और सॉल्ट। अगर आप इसको ज़्यादा इंडियन टच देना चाहते हैं तो आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, आप इसमें रोस्टेड जीरा भी डाल सकते हैं। लास्ट में एक लेमन, लेमन के बारे में तो आपको मालूम ही है, इससे भी आपका वेट लॉस होता है, आपका जो फैट है वो कटता है आपके शरीर से। नींबू का रस इसमें गया। और लास्ट में मैं डालूंगा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ये हमारे सैलेड को एक ग्लेज देगा। बेसिकली आप देखेंगे ये सैलेड लोग स्प्राउट्स के साथ बनाते हैं, पर स्प्राउट्स को आप लंच में तो खा सकते हैं पर डिनर में नहीं खा सकते हैं। पर ये सैलेड आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी खा सकते हैं। तो हमारा ये सैलेड रेडी है। फ्रेंड्स, ये मैंने एक सुंदर से ग्लास में इसकी प्लेटिंग की है, साथ में मैंने लगाया एक लेमन का स्लाइस, तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो व्यूअर्स, रेडी है हमारा सैलेड, ओट सैलेड विद लेमन, पाइनएप्पल, टमाटो इंडियन टच के साथ। होपफुली आपको ये सैलेड पसंद आएगा, स्पेशली कमल वक्त के लिए जिन्होंने मुझे मेल किया था, मुझे मैसेज किया था। आप भी अगर कुछ रेसिपी चाहती है, इंटरेस्टिंग रेसिपी अपने लिए, तो मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी वो रेसिपी फुलफिल कर पाऊँ। थैंक यू।